आप पे जो आरोप लग जाता है आए दिन, कभी गिट्टी को लेकर विधायक आरोप लगा देते हैं, कहीं फेरी को उद्घाटन में जाते हैं तो फिर आरोप लगता है कहीं, तो सर ऐसा क्यों हो जा रहा कि बार बार आप ही पे आरोप लग जा रहा है? बढ़ती हुई राजनीतिक जनाधार को देखते हुए लोग ऐसा करते हैं। बीते दिन हुए साहेबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। पहले तो ये आत्महत्या का मामला बताया गया, लेकिन उसके बाद उनके परिजनों ने एक नया खुलासा करते हुए सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और उसका आरोप उन्होंने तीन लोगों पर लगाया, दो रूपा की साथ की महिला पुलिसकर्मी मनीषा और ज्योतिष्णा और तीसरा पंकज मिश्रा पर। किसके साथ मिलकर? अनिशा और पंकज शर्मा। पंकज शर्मा ये कौन विभाग के? पंकज मिश्रा की पंकज शर्मा। पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा। क्या बोले थे वो? खाना फुसला के ले गए। जी किन के पास? एक जगह पे ले गए। ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट वाला फंक्शन ये बोल के, और फिर बहुत ज्यादा टॉर्चर किए। कौन कौन टॉर्चर किया, नाम बताइए। किस बात के लिए टॉर्चर किया जा रहा था? नहीं पता, टॉर्चर करता था। घर आया उसको वाटर मिला, उसका खाना टॉर्चर कर पंकज मिश्रा। ये वही शख्स है जिनके ऊपर पिछले दिनों बोरियो विधानसभा के विधायक लोबिन हेमरम ने कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद राजनीतिक महकमे में हलचल मच गई थी। आज फिर पंकज मिश्रा पर आरोप लग रहा है कि साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी को जान से मारने की साजिश की गई। आखिर कौन है पंकज मिश्रा जिनके ऊपर आए दिन कोई ना कोई आरोप लगता रहता है? तो मैं बता दूं कि पंकज मिश्रा उस शख्स का नाम है जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि बताए जाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं, जिसको लेकर कई बार विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी कई तरीके के आरोप लगाए। इससे पहले भी साहिबगंज में उद्घाटन को लेकर उन पर लोगों ने कई सवाल खड़े किए, फिर बोरियो विधानसभा के विधायक लोबिन हेमरम ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और आज फिर महिला थाना प्रभारी को जान से मारने की साजिश का आरोप। हालांकि इन सारे आरोपों को पंकज मिश्रा ने निराधार बताया है। मामले की छानबीन में अब देखना होगा कि आखिर इस हत्या का गुनहगार कौन। नमस्कार पंकज। नमस्कार। मैं आशुतोष आनंद एक्सप्रेस न्यूज से बोल रहा हूँ। बोलिए। ये जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर महिला थाना प्रभारी के, इस पर क्या कहेंगे? हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराओ और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, एक गरीब आदिवासी परिवार को न्याय मिले। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और उसे न्याय मिलना चाहिए। आप पे जो आरोप लग जाता है आए दिन, कभी गिट्टी को लेकर विधायक आरोप लगा देते हैं, कहीं फेरी को उद्घाटन में जाते हैं तो फिर आरोप लगता है कहीं, तो सर ऐसा क्यों हो जा रहा कि बार बार आप ही पे आरोप लग जा रहा है? बढ़ती हुई राजनीतिक जनाधार को देखते हुए लोग ऐसा करते हैं। साहेबगंज जिले में पहले माफिया का वर्चस्व था और आजकल आए दिन माफिया घर में घुस गए हैं। माफिया का चार पांच माफिया थे, उनके माफियागिरी नहीं चलती है, तो लोग जानबूझकर बदनाम करते हैं। तो खैर उसे हम बिचली तक घबराने वाले नहीं है। मैं स्वयं सरकार से मांग करता हूं कि जितनी जल्द हो इसकी सीबीआई जांच करा ले, उसे भी उच्च स्तरीय जांच करा ले और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और उस परिवार को न्याय मिले। लेकिन एक विधायक भी आप पे आरोप लगा देते हैं, वो भी आप ही के पार्टी के हैं। अरे भैया विधायक ने कब आरोप लगाया था? मुंह में उंगली देकर पत्रकार बोल रहा है, आप सुने नहीं क्या उस ऑडियो को कि कौन है? क्या वो बरहेट के विधायक प्रतिनिधि है क्या? उस ऑडियो को नहीं सुने क्या? विधायक मेरा नाम कभी लिया है क्या? जी इशारा ही इशारों में आपसे बात की है। नहीं तब हम तो मेडिका में एडमिट थे। हम 12 तारीख से मधुपुर चुनाव में थे, 17 तारीख को 15 तारीख के रात को घर आए, 17 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हुए, 19 तारीख से मेडिका में जाके रांची एडमिट हो गए। हम यहाँ हैं कहाँ 10 दिन से? उसकी माँ जो बोल रही है कि 10 दिनों से 10 दिन पहले की बात है, तो हम हैं कहाँ?
हम तो है भी नहीं, इसलिए हम चाहते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए। अच्छा, उनसे थाना प्रभारी जी से आपने कभी मुलाकात की है? कभी हमारी मुलाकात नहीं।